कैच करने का प्रयास लेकिन असफल रहे। शानदार टैकल, काफी कॉन्फिडेंस के साथ एक बार फिर से झोंझलों की ओर से 10 नंबर जर्सी में रेडर, स्कोर 4-4 ईच। काफी कॉन्फिडेंस के साथ झोंझलों की ओर से 10 नंबर जर्सी में रेडर काचवा के कोर्ट में 4 के डिफेंस में रेडिंग करते हैं। एक बार टाइम आउट होने के बाद अपने टाइम का भी ध्यान रखते हैं। जर्सी नंबर 33 के रेडर काचवा के रेडर झोंझलों के कोर्ट में टच का दावा और टच मिला भी, एक पॉइंट और मिला। इस बार 19 नंबर जर्सी के रेडर काचवा के कोर्ट में 5 का डिफेंस मौजूद, मानस अवेलेबल है नहीं, काफी भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी। स्कोर काचवा 5 झुंझुनू 4, दोनों ही टीमों में काफी स्कोर लेवल पर खेला जा रहा है। दोनों ही टीमें अपनी टू बाई रेड पर भी खेल रही हैं। एक बार फिर से विकास रेड पर 6 का डिफेंस मौजूद, बोनस अवेलेबल है। एक बार फिर से कैच कर लिए गए, दो नंबर 4 का डिफेंस मौजूद, टाइम कीपर का वो भी ध्यान रखे, 10 सेकंड पहले बता दें। बाहर से कोई डिस्टर्ब ना करें, लाइनमैन की जिम्मेदारी होगी। एक बार फिर से काचवा ऑल आउट के कगार पर 8 नंबर जर्सी के रेडर का क्या अपनी टीम का ऑल आउट से बचा पाएंगे। एनबी स्पोर्ट झोंझलों की टीम में 7 के डिफेंस में रेडिंग कर रहे हैं, काफी शानदार टाइम का ध्यान रखें, 10 सेकंड से पहले बता दें। कैच कर लिया गया ऑल आउट काचवा, फर्स्ट टाइम आउट काचवा। इस हाफ में 3 मिनट 10 सेकंड का समय बचा है। फर्स्ट हाफ में 3 मिनट का समय बचा है, स्कोर 5 और 5 काचवा, एनपी स्पोर्ट झोंझुनू 11। एक बार फिर से भारी भरकम शरीर के खिलाड़ी 19 नंबर जर्सी में काचवा के कोर्ट में रेडिंग पर 7 का डिफेंस मौजूद, ऑल आउट होने के बाद वापस अपनी टीम में कैचिंग का प्रयास, फिर से असफल रहे। सुभाष काचवा काफी नाराज, एक बार फिर से विकास काचवा अपनी रेडिंग पर 7 का डिफेंस मौजूद, बोनस अवेलेबल है, शानदार टच का प्रयास। लगातार झुंझुनू की ओर से एक ही रेडर 19 नंबर जर्सी के रेडर काचवा के कोर्ट में लगातार रेड कर रहे हैं। पहले आप में 2 मिनट का समय है,
एक बार फिर से विकास काच पर रेडम कर जोजनों के कोर्ट में काफी शानदार रेडिंग कर रहे हैं। क्या कैच कर पाएंगे? कैच कर लिए गए। काफी कॉन्फिडेंस के खिलाड़ी 10 नंबर दस में काफी शानदार हुआ शानदार। एक बार फिर से काचवा की ओर से 21 नंबर दर्शी के रैंडल जोजनों के कोर्ट में काफी छोटे अंडर 17 प्लेयर साथ के डिफेंस में और अपने वेट के कारण बोनस मिला है रैंडल को और टैकल पॉइंट जोजनों को। फर्स्ट हाफ में 1 मिनट का समय से सर काचवा की टीम में सुपर टैकल ऑन। एक बार फिर से को और कॉन्फिडेंस नंबर दर्शी में रेडिंग कर रहे हैं। इसका सुपर टैकल कर पाएंगे आप ऑन ले पाएंगे देखना होगा। काफी कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से दाव करके जा रहे हैं। पता नहीं किसका सही होगा। रेफरी महोदय ने खिलाड़ी का पॉइंट मिला है जोधपुर के खिलाड़ी को। इसके बाद जो मैच होगा वो डेरावर से डिगाल के मध्य खेला जाएगा। दोनों टीमें आप तैयार हैं। आपकी लास्ट रेड है पंद्रह सेकंड अभी हाफ टाइम से अभी बाकी है। सुपर टेकल ऑन है काचवा की टीम में। सुपर टेकल और कॉन्फिडेंस के खिलाड़ी 10 नंबर दर्शी के छोटरों की ओर से रेडिंग कर रहे हैं। काचवा के कोर्ट में क्या अपना टेकल कर पाएंगे या पॉइंट ले पाएंगे ये तो अभी देखने होगा। शानदार पूरी टीम हाफ टाइम टच मिला भाई हाफ टाइम दोनों तरफ से दांव फोके गए। रेडर का दांव सफल रहा डिफेंडर का दांव असफल रहा। इसी के साथ स्कोर है 17 एनपी स्पोर्ट्स जोजनू 7 है काचवा 10 पॉइंट के लिए है एनपी स्पोर्ट्स जोजनू के पास। इसके बाद जो मैच होगा निगाल वर्सेस झुंडेरा के मध्य खेला जाएगा। दोनों टीमें तैयार रहे। स्कोर है 17-7 एनपी स्पोर्ट्स जोजनू 7 काचवा। इसके बाद जो मैच होगा डिगाल वर्सेस झुंडेरा के मध्य डिगाल के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में झुंडेरा का टीम के एक बार फिर से काचवा के स्कोर 17-7। काचवा टीम में सुपर टैकल ऑन। सुपर टैकल पर गए हैं 10 नंबर खिलाड़ी 10 नंबर जर्सी के खिलाड़ी और कॉन्फिडेंस एक बार फिर से टकल कर लिए गए विकास काचवा को जोजनों के द्वारा। क्या
छः पाँच चार तीन छोड़ तू मेडिकल रुक जा यार, तेरा क्या दिक्कत हो रही है यार? अच्छा यार मंगल जी खाता नहीं, मंगल पकड़ लियो भाई। काफी देर के बाद रेडिंग में पॉइंट मिला था टीम पांचवा को। छः पाँच पांचवा मैच में वापसी करते हैं प्रकार से है। स्कोर पांचवा 12 एलबी स्कोर जोन में 24 डबल। इस बार वापस कैच कर लिए गए। स्कोर पांचवा 13 एनबी स्पोर्ट झुंझुनू 24। झुंझुनू की टीम ऑल आउट के कगार पर है। 14-24 10 पॉइंट की लीड है। क्या जाए ऑल आउट कर पाएंगे? देखना होगा 30 सेकंड के बाद टच का। वापसी करती नजर आ रही है। स्कोर तक पहुंचा है 17-24 7 पॉइंट के अभी भी लीड है एनबी स्कोर झुंझुनू के पास। एक बार फिर से और इसी पॉइंट के साथ 18-24 6 पॉइंट की लीड है अभी। 5 मिनट का समय शेष है, 5 मिनट का अभी टाइम बचा हुआ है। मैच काफी रोमांचक देखने को मिलेगा आपको। पांच मिनट 9 सेकेंड 18-24 का स्कोर है। आप 6 अंक से आगे हैं। 5 मिनट का समय शेष है। बोनस मिला है काफी टाइम के बाद झुंझुनू की टीम को। शानदार 1 पॉइंट और मिला टीम काचवा को। कोई काम हो तो वह वापिस लाएंगे। काम कटिवा
दस नंबर जर्सी के खिलाड़ी काफी कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस, बड़ा ही फुर्ती से रेड मारते हैं खिलाड़ी। और तीन सुपर रेड खिलाड़ी, सुपर रेड मार दिए इन्होंने, थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आया टीम में। दो पॉइंट और मेरे कांचा को, और भी कांचा में टीम के लिए काफी कुछ कर रहे हैं इन्होंने। 21 पॉइंट लिए हैं जिनमें से 10 पॉइंट इनके सुपर टेन पुराने विकास का। स्कोर है 28-21, 7 पॉइंट की लीड अभी भी जोजरो की टीम के पास। अगर कांचा अगर जीतना है तो विकास को चलना पड़ेगा, और अगर भूजनों को जीतना है तो उन्हें विकास को रोकना पड़ेगा। विकास चल रहे हैं लेकिन विकास की टीम का डिफेंस नहीं चल रहा है। 6-5-4-5 ले गए विकास। टाइम है 2:58। स्कोर है 23 कांचवा 28 एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी। तीन मिनट अभी भी बची हुई है, मैच कहीं पर भी जा सकता है, किसी के पक्ष में भी जा सकता है। कबड्डी ऐसा गेम होता है। लास्ट रेड तक ये पता नहीं चलता मैच। स्कोर है एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी जोजना 28 कांचवा 23। 5 पॉइंट की लीड है, बोनस का प्रयास कर रहे हैं लगातार। बोनस दिया गया, बोनस मिला है, सुपर टेकल ऑन है। एक अंक और मिला, नंबर 10 खिलाड़ी बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। उधर से एक पॉइंट और रेडर लेके जा रहा था, उधर से दो नंबर 10 के दर्शन खिलाड़ी लेके आ रहे हैं। टीम ऑल आउट होते हैं। 5 मिनट स्कोर 28-29, 28 कांचवा 29 एमपी स्पोर्ट्स एकेडमी जोजनो। एक ही पॉइंट का फासला बचा है, 1:25 का समय से 1.5 मिनट अभी बाकी है। कांचवा कवर को लंका कर रही है। डिगाल रहे हैं, सुधेरा दोनों टीमें तैयार हैं। एक मिनट का समय से बचा है। 5-4-3 50 सेकंड का समय शेष, पीछे से कोई बोले नहीं। चौतीस सेकंड का समय शेष है। स्कोर है जोजनों की टीम के 29 कांचवा 28। सुमित आगे मत खा दे, 7-6-5-4-2 अभी 4 सेकंड का समय शेष है, तो ये आखिरी रेड होगी। 4 सेकंड है, 4 सेकंड का समय शेष है, कुल 4 इस रेड पर देखने को मिलेगा कौन सी टीम जीतेगी। आप बता सकते हो
एक बार मैच में वो लाइनिंग करवा दी जाए वॉलंटियर के द्वारा। यह आखिरी रेड होगी स्टेज की, निर्णायक रेड। मुकाबला बराबरी पे समाप्त होता है और रोमांचक दोनों तरफ से पांच पांच रेड देखने को मिलेंगी। दोनों टीमों को पांच पांच रेड मिलेगी तो अपने खिलाड़ियों के नाम लिखवा दीजिए पांच पांच के।